सत श्री अकाल दोस्तों, आपका जीबी न्यूज में स्वागत है। हम खड़े हैं एफ सेक्टर यहाँ पे सोसाइटी के करीब में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दुकान है, यहाँ पर खाना बांटने का काम बिल्कुल बेहद ज़ोरों शोरों से चालू है, आप देख सकते हो। और आप सभी लोग, हमारे भाई हमारे जो बीच में हैं हुसैन भाई, इनको आप सभी लोग ए टू जेड डेकोरेटर के नाम से आप जानते हो, दिलखुश के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज नहीं, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है खाना बांटने का काम जो शुरू किया है इन्होंने, जैसे कि दिहाड़ी है, जरी वाले हैं, बैग वाले हैं, जो भी जिनका भी रोज़गार टोटल बंद है, वो लोग के लिए यहाँ पर जो है डेली का डेली जो है खाना बनाकर ये पकाकर अपने तरफ से बांट रहे हैं। और आप देख सकते हो डोनेशन बॉक्स भी यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे हुसैन भाई खड़े हैं यहाँ पर, हम हुसैन भाई से जानना चाहेंगे। सर जी, आप ये बताएँगे आप ये कब से कर रहे हैं और इंशाल्लाह कब तक करेंगे आप? हम लोग 27 तारीख से कर रहे हैं और मौला अली एजुकेशन के तरफ से कर रहे हैं ये। और सिर्फ किसी का मतलब इसमें लेन देन नहीं है, ये अपने ही जो मदरसे में और जो पैसे मिल रहे हैं हमारे पैसे खुद के, उसमें चला रहे हम लोग ये चीज़ जी। हमको आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि हुसैन भाई का एक मौला अली करके मदरसा भी है, उनके इमदाद के वजह से वहाँ से भी ये फ़ंड आ रहा है ताकि वो लोगों को जो है खाना बांट सके, लोगों तक खाना पहुंचा सके। और हर साल इनके बहुत सारे कार्यक्रम इस माध्यम से, जो इनके मौला अली मदरसे के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं, दावत इस्लामी के तरफ से जैसे कार्यक्रम होते हैं, उस तरीके के ये कार्यक्रम खुद स्पॉन्सर करके खुद करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे, बाकी की जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। हाँ, पहली बात है मौला अली एजुकेशन में मेरी बेटी है ना आलिमा और फाजिला है, यूट्यूब में इसका प्रोग्राम आता है, बयान बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसके, आप तहकीकात कर सकते हैं इसमें। और जो ये काम कर रहे हैं हम लोग चंद लोग मिलके कर रहे हैं, एक ख़ास हमारे नज़ीर भाई है, हमारे दोस्त है, वो इस तरह से काम करते हैं हम लोग। मतलब किसी को, पुलिस वाले को भी तकलीफ नहीं, और खुशी की बात है पुलिस वाले आज तक कोई आए भी नहीं, हम लोग को रुकाए भी नहीं, वो ऊपर से हेल्प कर रहे हैं लोग, सपोर्ट कर रहे हैं ये चीज़ का। और हमारी फैमिली ग्रुप है वो कर रहे हैं, समझे, हमारी फैमिली जो ग्रुप है वो कर रहे हैं इसमें। ठीक, जैसे कि अब इन्होंने कहा कि पूरे परिवार मिलके लोगों की मदद कर रहे हैं, जितने हो सके इन पे ये चीता कैम्प के रहवासियों के लिए मदद करें। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे मतलब कितने लोगों का खाना तकरीबन आप बना लेते हो और कितने लोगों तक मतलब ये खाना पहुंच पा रहा है? मैं 100 का उठाया था, 130 हो गए, वो 30 है ना भारी बढ़ रहे हैं, और 3 महीने तक ये कोर्स रखेंगे हम लोग। तो ये 130 होने से 30 की परेशानी आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला निकाल रहा है इस टाइम पे भी, 130 से भी निकल रहा है। और बिगड़ हम लोग है ना जो फिक्स करे परदेसी जो होते हैं ना, उन लोग को देने के लिए, मतलब गांव वाले को नहीं दे रहे, गांव वाले को दे रहे हैं कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ परदेस वाले को दे रहे हैं जो फंसे हैं यहाँ पे, 2 दिन के भूखे भी है, तो उन लोग के लिए खोल के रखे हम लोग। सिर्फ आए कार्ड लेके आए और कार्ड पे हम लोग दे रहे हैं, जो हमेशा 3 महीना चलेगा ये कोर्स, जब तक है इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये चीज़ को। घर में पैसा रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, इस टाइम पर क्या करेंगे हम लोग पैसा रख के, इस टाइम पर किसी के काम आ जाए वो चीज़ रखे हम लोग। जैसे कि आप सुन सकते हो हमारे हुसैन भाई ने कहा, बहुत ही अच्छी बात माशाल्लाह के यहाँ के जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग ही उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो परदेश से आया परदेसी, जैसे कोई यूपी, कोई बिहार, कोई उत्तराखंड, कोई उड़ीसा, कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ पे काम करने के लिए, अपने रोज़गार को यहाँ पर पाने के लिए जो आए हुए हैं, वो किसी वजह से यहाँ पर अटक गए हैं, यहाँ से नहीं निकल पाए हैं, कोरोना वायरस के वजह से नहीं निकल पाए हैं, तो उस वजह से उन लोगों की जो है हेल्प कर रहे हैं हमारे हुसैन भाई। 130 लोगों का जो खाना है वो पर डे उनको मिल रहा है, और वो जो उन्होंने जैसे कहा कि वो 3 महीने की तैयारी लेकर उतरे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बात करना, 3 महीने की तैयारी, मतलब बहुत छोटी बात नहीं है। आज के टाइम पर अगर कोई खाना खिला रहा है तो 1 दिन 2 दिन या 10 दिन खिलाएगा, लेकिन 3 महीने तक का खाना खिलाने का जिगर हमारे हुसैन भाई के पास में है। ये दिलखुश ए टू जेड की तरफ से यहाँ पर मौला अली के मदरसे की तरफ से यहाँ पर वो खाना बंटवाने का काम कर रहे हैं परदेसी लोगों के लिए, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इनको और इसमें तरक्की दे और इनको जो है बरकत दे। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो ये कैन लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आके डोनेशन कर रहे हैं, जितनी उनकी जो अपनी हैसियत के हिसाब से 10 रुपया 2 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपया जो उनके तरफ से हो रहा है, लोग यहाँ पर इमदाद कर रहे हैं।
ताकि ये काम और जारी रख सके। तो हमारी भी आपसे एक अपील है कि अगर कोई यहाँ पर आ सके, यहाँ तक एफ सेक्टर जो है सोसाइटी की तरफ में पहुँच सके, हुसैन भाई दिलखुश के पास में आकर यहाँ पे जो उनसे हो सके वो इमदाद किए, ताकि वो परदेसी लोगों का जो खाना है वो जारी रह सके, कंटिन्यू हो सके 3 महीने तक। अगर खुदा ना खास्ता ये लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भले से लोगों को फ़र्क पड़ जाए, यहाँ पर जो चल रहा है लंगर वो चलता रहेगा। डिटेल्स दी गई है कैमरा मैन अख्तर चौधरी के साथ सलमान शेख, जीबी न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel, GEB News. Like, comment and share. Thank you.